आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। आप सबका इतना सारा प्यार मिल रहा है लड्डू गोपाल को और राधा रानी को, तो सच बोलूँ मैं तो बेहद खुश हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं हो रही थी और मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि जिस तरह मैं उन पर इतना ट्रस्ट करती हूँ और इतना विश्वास करती हूँ, क्योंकि सभी की मान्यताएं अलग अलग हैं, देखिए मैंने पहले ही कहा। लेकिन ये है कि मैं आज से नहीं 4 सालों से यही काम कर रही हूँ, और करने से मेरा कहने का मतलब है मैं भगवान कृष्ण को संबोधित करती आ रही हूँ। बहुत सारे मतलब व्यक्तित्व ऐसे मिले जिन्होंने, जो कभी भी जय श्री कृष्णा या राधे राधे नहीं बोलते थे, उन्होंने अपनी वीडियोस में जय श्री कृष्णा बोलना प्रारंभ किया और जय श्री कृष्णा बोलकर वो अपने वीडियोस को बनाने लगे। तो भले ही वो क्रेडिट तो मुझे किसी का चाहिए नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि अगर आपकी कोई भी अच्छी चीज़ को कोई अपनाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मैं बेहद खुश होती थी, और तब भी लोग कहते थे पता नहीं क्या दिव्या, मतलब ये क्या है मतलब लेकिन आज मतलब वही जय श्री कृष्ण जो मैं बोला करती थी, उन्होंने मुझे भक्ति तक पहुंचा दिया एक शब्द ने। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि अब सब मतलब बहुत सारे, देखिए मेरे पास ब्लॉग्स के टॉपिक इतने हैं ना कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सा वाला टॉपिक आज स्टार्ट करूँ। बहुत सारे लोगों ने किया है कि आप बताइए आपकी जर्नी भक्ति की कैसे शुरू हुई। अभी मुझे बाकी बिहारी जी वाले सवाल का भी जवाब देना है, वो भी टॉपिक है। मेरे कन्हैया ने मुझे माँ भी कहा, वो भी टॉपिक है। तो मैं सोच रही हूँ पहले जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि कैसे मेरी आध्यात्म की ये जर्नी स्टार्ट हुई और कब से स्टार्ट हुई। तो हम बात करते हैं बचपन से, कि बचपन से ही मैं थोड़ा सा अलग थी घर में, मतलब मुझे ना पता नहीं क्यों एक अलग भाव था मेरा, क्योंकि मैं वृंदावन में मेरा जन्म हुआ है, मेरा ददिहाल वृंदावन का है, वृंदावन के पास एक गांव है जस्ट नाम भी सब जानते ही होंगे, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद डैडी आर्मी में थे तो हम सब फिर डैडी के साथ ही रहे, एजुकेशन सब बाहर रही जिस जिस स्टेट में पापा की पोस्टिंग हुई। तो हम छुट्टियों में घर आते थे, मतलब ददिहाल, तो ददिहाल आने पर एकादशी को हमारे यहाँ बहुत ब्रिज में माना जाता है, तो वो परिक्रमा के लिए ले जाते थे, तो मैं शौक में उनके साथ परिक्रमा करती थी। मैं नहीं जानती थी क्योंकि वहाँ पर एक लड्डू मिलते थे और वो जो लड्डू होते थे वो समा के चावल के टाइप ना एक चीज़ होती है, क्या बोलते हैं, शायद समा के ही लड्डू होते थे, वो सिर्फ परिक्रमा मार्ग पे ही मिलते थे। आज का मुझे नहीं पता, उस समय पर ऐसा ही था। तो वो मैं खाने की वजह से अपने चाचा जी के साथ जो है परिक्रमा देती थी। तो मैंने 15-16 परिक्रमा अपनी 8th तक की एजुकेशन तक दे चुकी थी। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली फिर शिफ्ट हो गए आगरा, आगरा से फिर मेरी एजुकेशन हुई। फिर गांव का जाना थोड़ा कम हो गया क्योंकि अब आप हायर लेवल एजुकेशन में आ गए थे, तो वहां पर एजुकेशन करते करते, लेकिन बीच में जब भी गांव जाना होता था तो फिर मैं अपने चाचा जी के साथ गोवर्धन परिक्रमा के लिए गई। और गोवर्धन परिक्रमा के लिए भी इसलिए नहीं गई कि मैं कुछ ज़्यादा देखी जानती नहीं थी, इतना दिमाग नहीं था, इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ पर आलू की जलेबियाँ मिलती है। बस किसी ने मुझे बोला था कि वो सिर्फ गोवर्धन परिक्रमा में मिलती है, तो मैं वो आलू की जलेबियाँ खाने की वजह से परिक्रमा देने के लिए गई। परिक्रमा भी दी राधा कुंड में, जो है बहुत ठंडा पानी था, मैं थक भी गई थी मेरे पैरों में बहुत। तो ये बचपन रहा मेरा ऐसा, मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ में रही और मेरी मम्मी की पूजा पाठ मुझे कभी समझ नहीं आई, क्योंकि आप ये कह लो एजुकेशन की वजह से या फिर मेरी सोच बचपन से बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं अपनी मम्मी से बोलती थी क्या मम्मी आप जब देखो तब घंटी बजाते रहते हो, घंटी से थोड़ी ना पूजा होती है, मतलब मेरी सोच बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं पता है छोटे में ये भी करती थी कि मैं किसी का भी हाथ पकड़ती थी और उसका हाथ देखने लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो बोलूँगी वो हो जाएगा और ऐसा होता भी था और उसके बहुत सारे प्रमाण मेरे सामने थे, मैं जो बोलती थी वो हो जाता था। मेरे को हाथ देखना आता नहीं था लेकिन पता नहीं क्या ऐसा था मेरे को, मैं ऐसे बोलती थी कि मैं हाथ देखूँगी ना आपको, जो जो बोलूँगी वो हो जाएगा। और ऐसा ही बोलते बोलते मेरी जीवा से
एक दो लोगों के लिए थोड़ा गलत निकल गया, जैसे एक आंटी थी तो उनका गलत हो गया। तो तब से ना, तब मैं 10th में थी और उसके बाद मैंने हाथ देखना बंद कर दिया, क्योंकि जब मुझे ये पता चला कि मैंने जो बोला है एग्जैक्ट वैसा ही हो गया तो मैं डर गई और मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। उसके बाद फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th आपकी एजुकेशन होती रही। मैं ग्रेजुएशन में, फिर भक्ति में बहुत ज़्यादा नहीं, फिर एजुकेशन में चली गई। और एजुकेशन भी मैंने इस हिसाब से कभी नहीं ली कि भैया कुछ बड़े होके ना बहुत कुछ बनना है, जो सच है। मतलब जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो हमारे यहाँ जो है लड़कियों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं दिया जाता है, मतलब एक उम्र के बाद जल्दी शादी कर दी जाती है। लेकिन मैंने फिर भी कि नहीं, पापा आर्मी में थे तो उन्होंने जितना कहा कि आप उतना स्टडीज करो, तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक एजुकेशन कंप्लीट की और इस तरीके से मेरा पूरा टाइम निकला। लेकिन हाँ, मेरी कुछ चीज़ें थोड़ा डिफरेंट थी। मैं घंटी पूजा में ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, मैं व्यवहार में ज़्यादा विश्वास करती थी। घर से निकलने से लेकर घर तक आने तक मेरे जुबान पे सभी को नमस्ते करना रहता था, तो सभी बहुत खुश होते थे इस चीज़ से। चाहे मुझे लाख बार कर नमस्ते करें, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, डेली सुबह शाम जब भी किसी को देखना, तो ये मेरी हैबिट थी। दूसरा कि जब भी किसी के लिए कुछ होना मुझे कि जब भी किसी के लिए कुछ होना मुझे किसी भी पशु पक्षी से बात करने में बहुत आनंद आता था। मुझे ऐसा लगता था ये मुझे बता रहे हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अच्छा। मतलब कोई भी डॉगी मर जाता था तो मुझे लगता था मरने वाला है, मैं देख लेती थी एक्सीडेंट हो गया कुछ हो गया, तो मैं चिल्लाती थी कि इनको गंगा जल पिलाओ तो ये ना सही हो जाएगा या इसको मुक्ति मिल जाएगी। ये सब माइंड की बुद्धियाँ थी थोड़ा सा, और ऐसा होता भी था। एग्जैक्टली मैं जैसा सोचती थी वैसा ही हो जाया करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ना मैं बहुत अलग हूँ, मतलब मुझे ये फीलिंग आती थी। तो लेकिन जीवन मतलब था। और हाँ, एक और सबसे बड़ी बात, जब मैं छोटी थी तो मैं मिट्टी भी खा लिया करती थी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। स्कूल में मुझे मिट्टी खाने का बहुत शौक होता था, तो मेरे घर में छोटे छोटे लड्डू गोपाल मिट्टी के, पहले जन्माष्टमी पे लोग, मतलब जितने भी लोग थे वो मिट्टी के ही लड्डू गोपाल लाते थे और उनको झूला झुलाते थे। तो जो लड्डू गोपाल होते थे, तो अब देखिए लड्डू गोपाल की इतनी सेवा मुझे नहीं, मतलब पहले होती होगी, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती। तो छोटे लड्डू गोपाल जब कुछ बैठे होते थे उस पे पालने पे, तो मैं पीछे से ना वो कहीं ना कहीं से गिर जाते थे तो उनके चोट लग जाती थी, या वो आप उनको बोल सकते कि विग्रह खराब हो गए। तो मैं क्या करती थी कि उनको उठा के एक साइड रखते थे, तो मैं उनको ये नहीं करती थी, मैं उनको उठा के उसको पोंछ के ऊपर जो कलर होता है, जो कड़वा होता है कलर, उसको पोंछ के ना मैं उसको खा लिया करती थी। जो सच है मैं वो बता रही हूँ, मैं उनको खा लिया करती थी। देवी देवता की भी मूर्तियाँ जो मिट्टी की होती थी, जो थोड़ी बहुत खराब हो जाती थी या फिर रखी रहती थी, तो क्योंकि मम्मी खाने नहीं देती थी, तो मैं जाके पीछे से हिस्सा उनका थोड़ा थोड़ा खा लिया करती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती थी वो कहीं ना कहीं जो है खराब हो ही जाती हैं बारिश के समय पे, या कुछ ना कुछ हो जाता था, और मुझे उसको खाने में ना बहुत स्वाद आता था। मैं एकदम सत्य बता रही हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को लगे ओ माय गॉड ये क्या करती थी। तो ये चीज़ मैंने की है। तो एक बार मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैंने लड्डू गोपाल को खा लिया, तो मम्मी बोलती थी कितना बड़ा गंदा काम किया तूने, भगवान को खा लिया। मैंने कहा आप लोग भगवान को जो है ना इधर उधर फिर बाद में डाल देते हो कहीं भी, ठीक है, उनको इधर उधर किसी पेड़ के नीचे, कम से कम मैं तो उनको दिल में रखती हूँ, मैं तो उनको खाती हूँ और अपने दिल में रखती हूँ और वो मेरे दिल में वास करते हैं। ये जो चीज़ थी ये मेरी थी बचपन में। फिर बड़ी हुई, इतनी अक्ल आई, फिर ये सब नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में रही मैं और जॉब करती थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, दो बच्चे हैं मेरे। उसके बाद प्रभु के ऊपर ना एक नाम मेरे ऊपर था, मतलब मैं जय श्री कृष्णा बोला करती थी। कोई भी काम बिगड़ जाए, हे भगवान जी, हे कृष्णा ये करना, हे कृष्णा ये करना, बस इतनी भक्ति थी मेरी।
इससे ज्यादा मैंने भक्ति नहीं की। बाकी जैसे सब लोग होते हैं मैंने भी वैसे ही किया। जैसे दुनिया जीती है और ऊपर से दिल्ली का जो जीवन है वो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है एक तरह से आप ये कह सकते हो। आपके पास समय नहीं है बिल्कुल भी, नौकरी करो, घर का काम करो, बच्चे संभालो, ये। इन 2016 मेरे को पता चला, उस समय पे मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया था दिल्ली में, और वो एनजीओ मैं ज्वाइन करके गरीब बच्चों के लिए कुछ काम हम लोग कर रहे थे। क्योंकि मैंने कहा वैसे तो हम परोपकार करें, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि बहुत भैया पैसा है, नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन दिल में हमेशा से ये था कि कुछ अच्छा करना है। तो एक एनजीओ ज्वाइन किया, उस एनजीओ में काम करते करते मुझे बीच बीच में चक्कर आते थे, तो मुझे लगा कि ये चक्कर इसलिए आते हैं क्योंकि धूप में मैं काम करती हूँ। काम करते करते 2016 में मैं अपने घर मतलब मायके आगरा आई, और आगरा आके मैं मम्मी के सामने बेहोश हो गई, और तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे जब टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कि मुझे कैंसर है, वो भी मेरी टेम्पोरल बोन में यहाँ पे, और उस कैंसर का नाम है ऑस्टियोसर्कोमा इन हाई ग्रेड। हाई ग्रेड में था, मीन्स ये हाई ग्रेड एक तरह से आप लास्ट स्टेज बोल सकते हो उसको, और टेम्पोरल बोन में वो नहीं होता है, जो जॉइंट में वो हुआ था, ये बहुत रेयर केस था, ये किसी को नहीं होता है। तो किसी को पता ही नहीं था कि कैंसर हो भी सकता है। जब उसका चेक हुआ तो उसमें पता चला कि ये मतलब कोई आपके एक तरह का गांठ है और हड्डी के ऊपर है, ऑपरेशन करेंगे और निकल जाएगा, मतलब डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। मैंने दिल्ली में भी उसको चेक किया, किसी ने बोला कि नहीं 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 आपको ब्लड कैंसर है, किसी ने कुछ, अलग अलग डॉक्टर्स ने अलग अलग राय दी। तो मैंने लास्ट में आके यहीं के न्यूरोलॉजिस्ट से अपने आप को चेक कराया, और यहीं पे उन्होंने रिकमेंड किया कि 10 दिन के अंदर आपका ऑपरेशन होना चाहिए, कि अगर वो जो गांठ है वो अगर नहीं निकाली गई तो वो आपके ब्रेन में अंदर चली जाएगी और आपका बचना मुश्किल है। उनको भी पता नहीं था डॉक्टर को कि मुझे कैंसर है। उसके बाद ये हुआ कि मैं यहीं पे आ गई आगरा ही, और मैंने अपने, मैंने कहा अगर मरना है तो ब्रिज में ही मर जाएंगे भाई, क्योंकि देखिए डर तो होता है, मुझे ज़्यादा मरने से इतना डर नहीं था, ये भी मैं आपको बताऊँ, बस इतना था कि हाँ कुछ होगा तो बच्चों का क्या होगा सबसे, क्योंकि देखिए एक मोह तो आपके अंदर होता ही है। क्योंकि मैंने जीवन में बहुत कष्ट झेले, शादी के पहले बिल्कुल नहीं झेले, शादी के बाद बहुत कुछ झेला, और झेलने के बाद लेकिन मुझे भगवान ने ना कभी भी कोई कष्ट जो है महसूस नहीं होने दिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सबसे बड़ी बात, कष्ट होते हुए भी मुझे लगा नहीं कि ये कष्ट है, क्योंकि आप जब प्रभु का साथ लेते हैं ना, भले ही नाम का ही लो लेकिन वो आपके साथ हमेशा होते हैं, और ऐसे ही मेरे साथ प्रभु रहे। मेरा ऑपरेशन हो रहा था, ये जो मेन मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो यहाँ से, और अब स्टार्ट होता है कि ऑपरेशन, उस पर हूँ मैं स्ट्रेच पे, और मेरे को अंदर लेके गए हैं, और मैं ना बहुत सजधज के आई हूँ, सजधज के मेरा मतलब है लिपस्टिक लगाई है खूब अच्छे से, क्योंकि मुझे शुरू से शौक रहा है बहुत अच्छे से रहने का, तो मतलब बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के, खूब सारी चूड़ियाँ पहन के, गोल्ड की चेन एक पहनी और अंगूठियाँ पहन के, और बहुत सारा परफ्यूम लगाया मैंने, और लगा के मैं अंदर गई, और मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं कपड़े बिल्कुल चेंज नहीं करूँगी, आप लोग जो कपड़े पहनाते हो अगर बाई चांस ऑपरेशन के टाइम पे मैं मर गई ना तो कोई ढंग से मुझे उठाएगा भी नहीं। तो बोले कि, और मतलब क्योंकि परफ्यूम मैंने इतना ज़्यादा लगाया हुआ था कि किसी को भी पता चल रहा था कि मैंने पूरी बॉटलें अपने ऊपर डाली हुई है, और बोला कि इतना बॉटल्स क्यों डाले हुए हैं, मतलब इतनी परफ्यूम क्यों। तो मैंने उनको जाते एक चीज़ बोला कि अगर बाई चांस मैं मर गई तो कोई जब मेरी मतलब मुझको उठाएगा तो सबको खुशबू आनी चाहिए, मतलब इतना ही सेंस था, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल, मेरा दिल जो है ना वो बच्चों जैसा ही रहा है, मैंने कभी अपने आप को बड़ा किया ही नहीं। तो वो कह रहे कि अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अगर बाई चांस हो गया तो क्या पता इस ज़िंदगी का, लेकिन ये है कि मुझे बहुत अच्छे से मरना है। फिर उन्होंने कहा नहीं, गोल्ड तो उतारना पड़ेगा, फिर उन्होंने वो उतारा, कपड़े मेरे चेंज नहीं, मैंने जो कपड़े पहन के आई थी उन्हीं कपड़ों में उन्होंने ऑपरेशन किया। जिस वक्त ऑपरेशन स्टार्ट किया उन्होंने, उन्होंने बोला 1 2 3, फिर मैं किस दुनिया में थी मुझे नहीं पता, अब लोग इसको बहुत अलग तरीके से जज करते हैं। तो मैंने जो देखा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और इसका मेंशन मैंने आज से 4 साल पहले भी किया हुआ है मेरी बहुत सारी आईडीज पे, जो मुझे जानते हैं उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा।
कि मैं देखती हूँ कि मैं एक सुरंग से जा रही हूँ, और जिस सुरंग से मैं जा रही हूँ उस सुरंग में बहुत अंधेरा है और बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी है, और जो मेरी स्पीड है उस सुरंग से जाने की वो इतनी हाई है, इतनी हाई है कि मैं बोल भी नहीं सकती, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और बहुत लंबी सुरंग है। उस सुरंग से अचानक से जब मैं निकलती हूँ तो एक दिव्य प्रकाश है, ये चीज़, ये सीन्स मैंने कभी ना टीवी में देखे हैं ना कहीं और देखा। मैं देखती हूँ कि चारों तरफ उजाला ही उजाला है, बहुत रोशनी है, इतनी चमक रोशनी है जैसे चांदी में चमकती है, एकदम जो न्यू चांदी होती है ना वैसे, ऊपर भी वाइट है, नीचे भी वाइट है, वाइट ही फ्लावर्स हैं, वाइट सीढ़ियाँ हैं, ऐसे सीढ़ियाँ भी हैं एक साइड को, एक पेड़ है वो भी वाइट है, एक सामने से कोई पीछे भी है मेरे, जिसके कपड़े भी वाइट है, चमकीले कपड़े हैं वाइट, मेरे को नहीं पता कौन है, मेरे को वो नहीं दिख रहे, मुझे ये तक याद नहीं है कि मैं दिव्या हूँ। बस वो जो जगह मैं पहुंची वो इतनी शांति प्रिय थी, इतनी अच्छी थी कि मेरा, मैं सिर्फ इतना कह रही थी ओ कितना अच्छा है यहाँ, मैं तो यहीं रहूँगी, मैं ये बोल रही थी। तभी एक प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है, एक ऐसे किरणें आती है, ऐसे ऐसे प्रकाश, और उसमें से जो बोलने का टोन था वो बहुत अलौकिक था, वो वर्ड्स कैसे बताऊँ मैं तो बोल भी नहीं सकती, वो इतना स्लो मोशन में भी था थोड़ा, और बहुत अच्छा था। उसमें से आया अभी मुक्ति नहीं, जैसे ही ये वर्ड्स मेरे कानों में पड़ते हैं और मैं उस सुरंग में दोबारा से गिर जाती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम, लेकिन मैं सुरंग में गिरने के बाद भी मुझे फिर बेचैनी, फिर घबराहट, में दोबारा से उस सुरंग से उसी जगह पे जाती हूँ और हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ और बोलती हूँ प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो। उस वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं थी, मुझे अपना नाम तक नहीं पता, मैं थी और वो रोशनी और वो शांति थी वहाँ पे। मैं फिर हाथ जोड़ के बोलती हूँ प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो, तो वो कहते अभी मुक्ति नहीं, और मैं फिर सुरंग में गिर जाती हूँ। थर्ड टाइम मैं वहाँ पे जाती हूँ, हाथ जोड़ के मैं बैठ जाती हूँ प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो, मुझे यहीं रहना है, लेकिन वो आवाज़ सेम, वही एक ही शब्द, अभी मुक्ति नहीं, और मैं सुरंग में गिर जाती हूँ। फिर मैं अपने आप को एक बहुत बड़े स्ट्रेचर पे देखती हूँ, मतलब एक बहुत बड़ा बेड है, उस बेड पे अपने आप को देखती हूँ। अभी भी ये सपना ही चल रहा है, अभी भी मेरे को होश नहीं है। उस सुरंग से गिरने के बाद मैं एक बेड पे हूँ और उस बेड पे कुछ डॉक्टर, मेरे मुंह पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, कुछ डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और पीछे भी मेरे मतलब कोई है, और पीछे से एक आवाज़ आती है, मतलब एक वर्ड होता है जान करके, आप लोग कहेंगे ये क्या है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। और मैं जब उसकी तरफ ऐसे मुड़ के देखती हूँ और वो मुझे बोलती है कि पहचाना, लेकिन मैं मुंह से तो बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं भूलती नहीं हूँ, मैं आँखों से ही बोलती हूँ कि हाँ, मतलब मैं पहचानती हूँ। तब वो मुझे बहुत सी बातें बताती है, वो जो एक 26-27 का बहुत ही नौजवान कोई लड़का है, और वो बताता है मेरा और उसका कोई रिलेशनशिप बताता है कि हम लोग सदियों से साथ थे, तुम हर जन्म में आती हो, ऐश्वर्य का जीवन जी कर चली जाती हो, मुझे नहीं पहचानती हो, इस जन्म में ऐसा नहीं हो, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, इस जन्म में तुम्हें मुझे पहचानना होगा, और एक श्राप के तहत तुमको ये प्रॉब्लम हुई, मतलब मुझे कैंसर हुआ, और दिव्य शक्तियाँ कुछ है जो इस जन्म में हमको नहीं दी गई हैं, ये बात उसने मुझे दोहराई। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या पागल बनती है, मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन जो सच है मैं बता रही हूँ, जो भी कहा जाए, ये सारी चीज़ उस दौरान हुई, और हरे कृष्णा हरे रामा ये शब्द सुनाई दिए। उसके बाद मैं अपनी, मतलब मुझे दर्द हो रहा है, अब मेरे दर्द हो रहा है तो मेरी आँख खुलती है, तो मैं अपने आप को अपने पेरेंट्स के सामने मतलब देख पाती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा है, और मैं सबको एक ही चीज़ बोल रही थी, और बेहोशी में भी 3 दिन तक मैं यही बोलती रही और यही सपना सबको सुनाती रही, और हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा इस तरीके से। हाँ, और वो जो व्यक्तित्व थे जिन्होंने मुझे ये चीज़ बोली, उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि इस जन्म में कुछ कार्य बाकी है, और जब तक तुम्हारा वो कार्य पूरा नहीं होगा, वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तुम इस जीवन से नहीं जा सकती हो,
तुम्हें वो पूरा करना होगा जो भी है। पता नहीं कि आप मेरे को ढंग से इतने वो वर्ड एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे तो या तो कह रहे तुम हर जन्म में भूल जाती हो। तो मैंने कहा तो अगर इतना सब कुछ था तो मुझे याद क्यों नहीं रहता। तो उसने मेरे हाथ पे मेरे सर पे ऐसे फेरा और बोला इस सुरंग से जाते हुए तुम जो जो याद रख पाओगी तुम्हें वो याद रहेगा। तो जो मैंने आपको बताया यही याद रहा, इसके सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वार्तालाप बहुत लंबी थी। उसके बाद जब मुझे होश आया तो 3 दिन तक बेहोश थी। यहाँ से आप कह सकते हो कि मेरा जीवन बिल्कुल बदल चुका था। मेरे घर में लॉज जो है ज़्यादा नहीं है, मेरी सासू माँ बुज़ुर्ग, तो इस वजह से मेरी केयर कोई कर नहीं सकता था। तो मैं आगरा शिफ्ट हो गई और आगरा ही मैंने, क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट है मेरी कीमोथेरेपीज जो है होना ग्वालियर से, मतलब मेरी कीमोथेरेपीज हुई। और इस प्रकार जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर है। उन्होंने मेरे जो उन्होंने कुछ टेस्ट के लिए भेजा क्योंकि मेरा ब्लड नहीं रुक रहा था, और उसने कहा था मेरे 35 ईयर्स के कैरियर में ऐसा रेयर केस मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम आया है। सबसे पहले तो यहाँ किसी को ये जॉइंट में होता ही नहीं जो इनको हुआ है। ऊपर से जो मेरा जब उन्होंने उस हड्डी को काटा तो बोले कि दोनों ही साइड कुछ लेयर था, मैंने कट तो कर दिया आगे मुझे नहीं पता, कि वो जो ब्लड था वो इतना ज़्यादा निकल चुका था कि बचा पाना मुश्किल था। और पूरे आगरा में ऐसा एक भी डॉक्टर नहीं है कि जिसके पास ये मशीन हो ऑस्टियोसरकोमा की, जिससे हड्डी को काटा जाता है। ये 35 ईयर्स पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था और वो भी उसके घुटने में था, क्योंकि ये जो कैंसर होता है ये सिर्फ बड़े जॉइंट्स पे होता है, यहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वहाँ होने का सवाल ही नहीं है। और ये मशीन सिर्फ मेरे पास थी और ये मेरे पास आई और ये बच गई, ये बड़ी बात है। और अभी भी 100% श्योर नहीं था, ये कीमोथेरेपीज होनी थी। ग्वालियर से मेरी कीमोथेरेपीज हुई, लोग कीमोथेरेपीज में चिल्लाते भी थे रोते भी थे, मेरे साथ सब डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट, बाल नहीं थे, सब निकल गए थे। सबने मेरे को देखा है जिन्होंने मेरे वीगो पे वीडियोस देखी, तो कि वहाँ पर मैं इतने इतने बड़े बालों में ही गई थी कि रिकवर करने के लिए। तो ये मेरी शुरुआत थी, यहाँ से भगवान के प्रति मेरी आस्था बढ़ गई। अब मैंने हर चीज़ को, मेरे अंदर जो मोह थे बहुत सारे वो धीरे धीरे मिट गए थे, मिटने लगे। मतलब अब मुझे बहुत ज़्यादा मोह किसी पे नहीं आता था, किसी पे भी नहीं। अब मुझे एक ही चीज़ लगता था, मोह के लिए प्रभु है। अभी ये भक्ति नहीं आई थी, बस अब मैं वीडियोस बनाती थी, खुद को खुश रखती थी, वीडियोस बनाती रहे, खुश होते रहे, और इस तरीके से ये स्टार्टअप होता रहा। और 2017 और मतलब बीमारी सही करने में लगा, 2018 से मैंने वीडियोस बनाए, 2019 में मेरे छोटे लड्डू आए, छोटे लड्डू जिनकी मैंने हल्की फुल्की सेवा शुरू की। ये मेरी शुरुआत है। उसके बाद 2020 में मेरा लड्डू आ गया और इसके बाद जो हुआ वो चेंज होता चला गया सब। और 2021 के चमत्कार तो मैंने आप सबको बता ही रखे हैं। ये है मेरी जर्नी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कैसे है, किस, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा ही बताती रही हूँ। ये जीवन जैसा प्रभु डिसाइड करते हैं आपको वैसा जीना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा पास्ट नहीं सोचती, मैं फ्यूचर के लिए नहीं सोचती, क्योंकि पास्ट आपके हाथ में है नहीं, आपके सोचने विचारने से कुछ होगा नहीं। फ्यूचर सोचने की वजह से आप प्रेजेंट को खराब कर देते हैं। यही सोच मेरी पहले थी, मैं हमेशा से आज में जीती आई हूँ और आज भी यही करती हूँ। ना मुझे मरने से डर लगता है, ना ही किसी और चीज़ से। बस मैं एक ही चीज़ समझ नहीं पाती हूँ कि प्रभु के प्रति जो प्रेम अंदर था वो अब बाहर आ गया है। और प्रभु की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, प्रभु ने मुझे जिस तरह से दर्शन दिए हैं, मैं उसकी आकांक्षा नहीं करती प्रभु से, सच बोल रही हूँ। मुझे तो अगर प्रभु को देखना है तो साक्षात देखना है, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और मैं हमेशा उनको बोलती भी हूँ कि देखिए आप ये मत सोचना कि आपने ये कुछ लीलाएं कर दी तो मैं मान जाऊँगी, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ,
क्योंकि मैं तो आपसे ही आई हूँ, आपसे आई हूँ। गुनाह भी किए होंगे, पाप भी किए होंगे, उन सब को सही मैं कर लूँगी, आप मुझे राह दिखाइए। हम अपने जीवन को जीते जीते बहुत गुनाह गुनाह बहुत सारे पाप करते हैं, उनको सही कर पाना प्रभु के आदेश के अनुसार ये मनुष्य का काम है। ये बात मुझे प्रभु ने समझाई है। हम जो ये व्रत करते हैं ये इसलिए नहीं कि हमें धन ऐश्वर्य मिल जाए, ये इसलिए कि हम जाने अनजाने जो पाप करते हैं वो मिट जाए, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परम है, शुद्ध है, पवित्र है। और वो आत्मा आई कहाँ से है? स्वयं ईश्वर से। और उसको जाना कहाँ है? स्वयं ईश्वर में। तो जैसे पवित्र वो आई थी वैसे पवित्र उसको उसमें लीन होना है। अब लीन होने के लिए हमें करना क्या है? हमको इसको वैसा ही बनाना है जैसी ये आई थी, क्योंकि हम इतने जन्मों में बहुत सारे पाप करते हैं, हमको नहीं पता होता। हम क्योंकि हम पाप भी कर रहे होते हैं ना, तो हमारी आत्मा को पता होता, वो कहती भी है कि ऐसा मत करो, गलत है ये। लेकिन हम क्या बोलते हैं? क्यों, और लोग भी तो करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती या कर सकता? उसके घर में भी तो इतनी धन दौलत है, उसने कैसे ही कमाई है, उसने भी तो कुछ गलत किया होगा। ये जो चीज़ें हैं यही चीज़ हमें पाप में समाहित करती है और हमारे पाप बढ़ जाते हैं और हम नेक्स्ट जन्म में बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करते हैं। अब देखिए, मेरे पास एक प्रश्न आया, ये जो वीडियोस है काफ़ी लंबे हो जाते हैं, देखिए बातें भी लंबी हैं तो बातें वीडियोस भी लंबे हो जाते हैं।